पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आजाद भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस आज मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट और हेल्थ रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सबसे पहले आमंत्रित अतिथियों के द्वारा ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रगान के पश्चात राष्ट्र ध्वज को सलामी दी गयी। इसके पश्चात कॉलेज की छात्र और छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके पश्चात आमंत्रित अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। मुख्य अतिथि नवैदुर रहमान और विशाल अग्रवाल, राजीव मल्होत्रा ने संयुक्त रूप से सभी को स्वतंत्रता दिवस की दी और कॉलेज की छात्राओं के उज्जवल भविष्य और नई नई बुलंदियों को प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं दी। मैं आज अपने देश के 75वें स्वतंत्र दिवस पे सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस बार हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस एक उत्सव, एक त्योहार के रूप में मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे। मैं अपनी और समस्त देशवासियों की तरफ से उन वीर सपूतों को नमन करता हूँ। इस वर्ष हमारा पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। ये देश का तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है। हम सभी देशवासियों को इस पर गर्व होना चाहिए कि हम सब इस पावन भूमि पे हमने जन्म लिया है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उनके नेतृत्व में हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में सम्मान से लिए जाने लगा है। आज पूरी दुनिया में इस आजादी के महोत्सव मनाने में हम सभी के जो साथी रिश्तेदार विदेशों में हैं उन्हें भी अपने ऊपर गर्व हो रहा होगा। स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि, मेरे भाई, मेरी बहनें, सबको मेरा आदाब और नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये बड़े हर्ष की और विषय है कि आज हमारा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। आज के 75 पूर्वपुरुष 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो कि अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ। आज़ादी के इस आंदोलन के दौरान हमारे महापुरुषों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, परंतु देश की आज़ादी का सपना आंखों में सजोए उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। इस कड़ी में एक नाम था सुभाष चंद्र बोस। वैसे तो सारे महापुरुषों ने बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है, लेकिन मैं उनकी शख्सियत से बहुत प्रभावित था। सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये एक ऐसा नारा था जिसने हर हिंदुस्तानी को झंझोड़ कर रख दिया। और जब उन्होंने और आप स्टडी कर रहे थे तो स्कूल में एक अध्यापक ने हिंदुस्तानियों के लिए कुछ अच्छे बुरे शब्द थोड़े से जो है वो कह दिए, जो आपसे बर्दाश्त नहीं हुए और आपने उसी वक्त उस अध्यापक की पिटाई कर दी। आपने उसके बाद उनको स्कूल से जरूर निकाला गया, लेकिन उनके ऊपर इस चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करी, क्योंकि उन्हें देश की बेइज्जती, हमारे लोगों की बेइज्जती, हिंदुस्तान की बेइज्जती किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के लिए वो लड़े और अच्छे सेनानी की तरह वो रहे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।